रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन दुनिया भर में बदनाम है। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड में 59 कंट्री मुस्लिम रिलीजन है, 49 कंट्री मेजर मुस्लिम रिलीजन है। लेकिन आप ये बताओ कि ये रिलीजन कट्टरवादी है, इसमें कट्टरवादी है, इसमें गुंडा है, टेररिस्ट है। आज तक सोचो कि आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि वन ऑफ द फास्टेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज अ मुस्लिम, ये कैसे फैल रहा है? अगर ये करप होता तो क्यों फैलता? ये अच्छा ही है ना। आप लोगों में वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार इसको आप लोग उस नज़र से मत देखिए जो आपको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हमको तो बोले अल्लाह अकबर होते, अल्लाह अकबर। शायद लोगों को गलत फहमी है कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि गॉड इज ग्रेट, परवरदिगार सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। यही मीनिंग मुस्लिम में है अल्लाह अकबर। लोग तो बिस्मिल्लाह करके गलत अक्सर होते हैं। मैं आपको गलत फहमी को बता दूँ उन सबको, बिस्मिल्लाह माने शुरू अल्लाह के नाम। बिस्मिल्लाह का जो मीनिंग है वो है शुरू उस रब के नाम जो कायनात को बनाया। और हम मुसलमान लोग, ये गलत फहमी भी है कि हम मुसलमान प्रॉफिट को पूजा करता है, पैगंबर को पूजा करता है। हम मुसलमान अब प्रॉफिट को पूजा नहीं करते, ऐसे मुसलमान हम करते हैं जो इस कायनात को बनाने वाला, आदम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद को दुनिया में बेचने वाला, उस रब को पूजा करते हैं, उसका नाम है अल्लाह। वही अल्लाह बोल के कोई इंसान ही नहीं रखा। मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहूँगा, अल्लाह का कहना है, कुरान जो कहते हैं वो अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो उनका पसंदीदा नाम है। ए मोहब्बत, तू मुझे अल्लाह करके पुकारो, ये मेरा सबसे प्यारा नाम है। आप लास्ट पैगंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा प्यारा नाम है, आप मुझे अल्लाह करके पुकारो। तो यही है अल्लाह का कहना, उसका कोई अलावा नहीं है। और कुछ बातें हैं जो मेरा तरफ से जो जस्टिफाई हुआ है, वो हम कोई पैसा लेके नहीं आया है। आप शायद मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगी, क्योंकि मेरा वाइस प्रोफेशनल में भी एक मीडिया वाला हूँ और अतु न्यूज़ का चैनल भी मैं चला रहा हूँ। तो रही ये बात, जो मेरा जनरल सेक्रेटरी है वो आपको थोड़ा बात करेंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू मीडिया वालों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने के। और से भी अरुणाचल वासी को मैं बताना चाहूँगा, जो रिसेंटली जो वीडियो या ऑडियो और जो नोटिस वायरल हुआ है ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम के नाम से, तो मैं आपको बता दूँ वो जो चेयरमैन का जिक्र कर रहा था ग्याल इमर सुल्तान, वो मैं ही हूँ। और व्यूवर्स में ये बताना चाहूँगा, जो बहुत सी लोग ने पूछा है कि ये ग्याल इमर कौन है, क्या वो नॉन ट्राइबल है या ट्राइबल है, उनको आज मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं ट्राइबल हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड है कि मैं फ़ायदा हुआ था करादारी डिस्ट्रिक्ट के ताली जिले के, उसमें फ़ायदा हुआ 1997 में, और वहाँ से मेरा एजुकेशन शुरू हुआ तामीन वासमला। और मैंने बैचलर किया सेंट क्लेयर कॉलेज मास कम्युनिकेशन में, और मैंने मास्टर किया मास कम्युनिकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। और आज लोग मुझे सवाल उठा रहे कि क्या ये ग्या लिंप ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल। तो लोग मुझे ये सवाल उठते कि मुस्लिम है तो अरुणाचल में कैसे हो सकता है, मुस्लिम अरुणाचल में नहीं है। तो ये सवाल हर लोगों ने मुझे पूछा, तुम जिसे ही ना हारेंगे। तो मैं आज उसको बता दूं कि जो मुझे पूछा है शायद वो उसको पता नहीं है। मैंने हेडलाइन में ही लिखा हुआ था अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम, तो यही में जस्टिफाई होता है कि अरुणाचल के ट्राइबल है हम। अगर मैं ट्राइबल नहीं होता तो मैं क्यों मेंशन करूंगा कि यह ट्राइबल। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं, तुम ट्राइबल को डिफेम कर रहे हैं, हमारा इंडिजिनियस अरुणाचल के लोगों को ट्राइबल को डिफेम कर रहे हैं, हमको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप ही बताओ, आप लोग ही बताओ कि हम ट्राइबल होते, अगर हम बोलता है कि नॉन ट्राइबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये वर्ड बोलता था तो आप बोल सकते कि आप ट्राइबल के क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप ही बताओ कि मैं जस्टिफाई इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ट्राइबल हूँ इसलिए मैंने ट्राइबल मेंशन किया। अगर मैं नॉन ट्राइबल होता तो नॉन ट्राइबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होता। रही सवाल ये बात, हमको पूछ रहा है कि ये रिलीजियस ही क्यों चुना गया। आप सबको पता है एज ए कंस्टिट्यूशन कंट्री कोई भी इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस राइट को फ्रीडम दिया गया है। तो मैं आपको उसको रिवाइज नहीं करूँ, बस थोड़ा जस्टिफाई कर, हर कोई अपना एक इंडिविजुअल राइट चॉइस कर सकते हैं, अपना बिलीफ इन फैक्ट चॉइस कर सकते हैं।